एक पाकिस्तानी युवक के सिर पर प्यार का भूत ऐसा सवार हुआ कि वो अपनी प्रेमिका के घर चला गया और उसे अपने साथ भगा ले जाने का दबाव बनाया। लड़की ने इनकार कर दिया। वहीं इतने में लड़की के घर वालों को भनक लग गई और उन्होंने युवक को दौड़ा दिया। प्यार में पागल लड़का रात के अंधेरे में भागते भागते भारतीय सीमा के 15 किलोमीटर अंदर तक आ गया और अब वो बाड़मेर पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस व विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। उसने पाकिस्तानी लड़की से प्यार होने का खुलासा किया है। पकड़े गए युवक का नाम जगसी कोली है और उम्र 21 साल है। वह है पाकिस्तान के थारपारकर जिले के गांव आकली खारोड़ा का रहने वाला है। एक पाकिस्तानी युवक के सिर पर प्यार का भूत ऐसा सवार हुआ कि वो अपनी प्रेमिका के घर चला गया और उसे अपने साथ भगा ले जाने का दबाव बनाया। लड़की ने इनकार कर दिया। इस बीच लड़की के घर वालों को भनक लग गई और उन्होंने युवक को दौड़ा दिया। प्यार में पागल लड़का रात के अंधेरे में भागते भागते भारतीय सीमा के 15 किलोमीटर अंदर तक आ गया और अब वो बाड़मेर पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस व विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। उसने पाकिस्तानी लड़की से प्यार होने का खुलासा किया है। पकड़े गए युवक का नाम जगसी कोली है और उसकी उम्र 21 वर्ष है। वो पाकिस्तान के थारपाकर जिले के गांव आकली खारोड़ा का रहने वाला है। ये गांव बॉर्डर से 35 किलोमीटर दूर है। थारपारकर जिले में ही नवातला बॉर्डर से 7 किलोमीटर दूर उसकी 17 साल की प्रेमिका का घर पाकिस्तान के थारपारकर के घोरामारी में है। वर्ष 2020 से ही उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन हाल ही में 24 अगस्त की रात जगसी अपनी प्रेमिका के घर उससे मिलने गया। जगसी ने लड़की से कहा कि चलो भाग चलते हैं। इससे लड़की ने इनकार कर दिया। इतने में लड़की के घर वालों को भनक लग गई और जगसी वहां से भाग निकला। पुलिस पूछताछ में जगसी ने बताया कि प्रेमिका के घर से भागने से इनकार किया तो दिल टूट गया, उसने आत्महत्या करने का निर्णय लिया। लड़की के घर से भागते समय उसकी चुन्नी वो ले आया था, इसी चुन्नी को गले में बांध लिया और किसी पेड़ की डाल से लटककर आत्महत्या करने की कोशिश की। आत्महत्या से पहले ही वो डाल टूट गई और जगसी मरने से बच गया। उसे आशंका थी कि लड़की के घर वाले पीछा कर रहे होंगे। उनसे बचने के लिए 24 अगस्त की रात करीब 12 बजे अंधेरे में पैदल ही बॉर्डर के पास आ गया। यहां से भारत पाक सीमा के नवातला बॉर्डर की तारबंदी पार कर वो भारतीय सीमा में पैदल ही दाखिल हुआ। वो बाड़मेर के सेड़वा थाना इलाके के गाँव झड़पा पहुंच गया। पाकिस्तानी युवक जगसी 25 अगस्त की सुबह बाड़मेर के सेड़वा थाना इलाके के गांव झड़पा में बस के बारे में जानकारी ले रहा था। वो लोगों से पूछ रहा था कि थार पार कर पाकिस्तान के लिए बस कहां से मिलेगी। लोगों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को खबर दे दी। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जाँच में उसने मोबाइल में प्रेमिका से चैट के सबूत मिले हैं। अभी जो आज पूरी एजेंसी है सभी सेंट्रल की आईबी इनसे अभी पूछताछ बाड़मेर शहर में पूछताछ कर रही है। पूछताछ करने के बाद भाई किस मकसद से आया है ये पूरी पूछताछ के बाद ही खुलासा होगा। बारहवीं पूछताछ में तो इसने यही बताया कोई रिश्तेदारी की कोई लड़की थी कोली जाति की, उसी से प्यार करता था और वो उसने आने से मना कर दिया तो उस पर आ गया। और उस पर भी गहन पूछताछ की जा रही है, उसके नंबर भी है, उसका आने का मकसद क्या है, सभी एजेंसी द्वारा गहन पूछताछ की जाएगी। उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि किस मकसद से प्रवेश किया। सर, सीमा के अंदर करीब 15-20 किलोमीटर आने के बाद में इसको पकड़ा गया, तो किस तरह से पुलिस ने काम किया या स्थानीय ग्रामीण? दोनों ने बीएसएफ ने और कैमरा था बीएसएफ पर और पुलिस द्वारा दोनों ने काम किया गया। जैसे इसके कैमरे में बीएसएफ के बॉर्डर पे कैमरे में आए थे घुस रहा है तो तुरंत बीएसएफ भी पीछा कर रही थी और झड़प गाँव की तरफ सूचना पुलिस को भी मिली थी तो तुरंत ही बीएसएफ के अधिकारी से पूछ करके और दोनों तुरंत इसको दस्तयाब करके दोनों एजेंसियों ने सही मतलब कार्रवाई की। अभी कोई संदिग्ध वो नहीं, मोबाइल जो है उसका नंबर वो मिले वो पूछताछ की जाए। सर, क्या बताया कब की घटना है, कैसे वहाँ से? नहीं, ये 24-8 की घटना है, रात्रि को लगभग 24 के रात्रि को लगभग 2:48 पे इस तरह प्रवेश उसने किया है जो कैमरे में आई है पूरी। तो इसने यही बताया कि प्रारंभिक में भाई उसके घर वाले को पता लग गया इस वजह से, डर की वजह से या तो बॉर्डर पार करूं उस हिसाब से। सर, क्या नाम है इसका और कहां का? नाम तो इसे ये जगसी पुत्र परसु जाति कोली है, 21 साल का है, आकली खरौड़ी है, जिला थारपर का है। बाड़मेर एसपी नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि सीमा सुरक्षा बल ने सोमवार रात युवक को सेड़वा पुलिस को सौंप दिया है। युवक के प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी मिली है, लड़की के चक्कर में बॉर्डर पार किया। बीएसएफ की ओर से रिपोर्ट दे दी गई है, सुरक्षा एजेंसियों की ओर से संयुक्त जांच की जाएगी। उसके पास 2 सिम का मोबाइल, डायरी, पेन, दवाओं की पर्ची आदि मिली है। पाकिस्तान के जगसी की कहानी बाड़मेर जिले के सज्जन का पार गाँव निवासी गेमरा राम जैसी है। गेमरा राम भी नवम्बर 2021 में नाबालिग प्रेमिका से मिलने उसके घर गया था और लड़की के घर वालों को पता चला तो
भाग निकला। भटककर उसने तारबंदी क्रॉस की और पाकिस्तान चला गया था। पाक रेंजर्स ने उसे पकड़ लिया था। वो कराची जेल में 28 महीने बंद रहा था।